हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत, मेरे वीडियो की शुरुआत, मेरी चैनल की शुरुआत और मेरी हो चुकी है। शाम के 4 बजने वाले हैं, 4:15 का टाइम हो रहा है और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है और गाय की रंभाने की भी आवाज़ आ रही है। निहार विहार का टाइम हो गया तो गाय निहार के टाइम पर रंभाना शुरू कर देती हैं। और जैसा कि मैंने कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े आजकल के मतलब बारिश के मौसम में ऐसी जगह 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 कपड़े सुखाने पड़ते हैं क्योंकि सूखने में नहीं आते कहीं। यहाँ यहाँ देखो मैंने कैसे रस्सियाँ बांध रखी हैं। ये इधर एक रस्सी, इधर एक रस्सी और ये सब कपड़े सुखा रखे हैं क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े सूखते नहीं हैं, एक के ऊपर एक डालने ही पड़ते हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, लाइट नहीं आ रही है। हमारे यहाँ गाँव में तो होता ही है यार, लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला होता है लाइट का। तो मेरा नाम है अंकिता नागर और जिन लोगों को मेरी चैनल, मेरा वीडियो देखना पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर दीजिए। और यार यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा खा रहा है तो जिस वजह से यहाँ पे पेंट टिकता ही नहीं है। चाहे आप अभी कराएंगे ना तो उसके 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे तो ये इस तरीके का हाल हो जाएगा। तो यही है, अभी पूरे घर की हालत ऐसे ही है, पूरे घर की हालत ऐसे ही है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया 4 बजने में है 10 मिनट अब और मैंने चाय बना के पी ली है। तो अब बस मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, शाम की जो झाड़ू होती है वो लगा देती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे किचन में। गांव में खाना जल्दी बनता है और वैसे भी गांव में क्या, मैं अपने मायके में भी जाती हूँ ना तो हम जल्दी ही खाना खाते हैं। तो हमारा खाना 5-6 बजे बनना शुरू हो जाता है, 7 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। तो वही आदत है, ऐसा नहीं है कि हम शहर में रहते, मतलब मेरा जो मायका है वो दिल्ली में है, मैं यहाँ फरीदाबाद के गाँव में रहती हूँ। तो हम शहर में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना देर से खाएंगे। ये तो गांव है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ का बता रही हूँ, वहाँ पे भी हम जल्दी ही खाना खा लेते हैं। हमारे पापा मतलब हमारी पूरी फैमिली जल्दी खाना खा लेती है 7 बजे और वही आदत मेरी लगी पड़ी है। तो मैं तो यहाँ पे भी जल्दी ही खाना खा लेती हूँ। और हस्बैंड का ये, हस्बैंड की ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है, वो जब आते हैं कभी कभी वो 12 बजे आते हैं, कभी कभी 1 बजे आते हैं। तो मोस्टली वो बाहर खाना खा के ही आते हैं। तो जब वो, वैसे मुझे वो कॉल करके बता देते हैं कि वो बाहर खाना खा के आ रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है। पर कभी कभी वो नहीं बता पाते, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है उनका कि वो नहीं बता पाते हैं। और बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यानी आप कहेंगे बहुत किट पिट करती है, तो कोई नहीं, हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वैसे शुरुआत हो चुकी है और लाइट नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है। मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे और बादल गरज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। जी हाँ, गांव की भाषा में हम खिचड़ी बोलते हैं, गांव की क्या, हम अपने घर की भाषा में खिचड़ी ही बोलते हैं। वैसे इसको पुलाव बोलेंगे क्योंकि इसमें मैं शिमला मिर्च, आलू, सोयाबीन, अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स पुलाव मतलब अच्छा बन जाता है। तो मेरे पास जो जो चीज़ थी मैंने उसी से बनाया है। सरसों का तेल इसमें गर्म हो चुका था, मैंने जीरा डाला, हींग डाली, वो डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसको मैं अच्छे से चलाकर भून लूँगी। और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो उसके बाद मैं इसमें जो हमारे सूखे मसाले हैं वो ऐड करूँगी। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, मेरा मन नहीं था टमाटर वाले खाने का, बिना टमाटर के मुझे खाना था तो मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो भुन चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो सूखे मसाले सिर्फ 3-4 ही डाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च जो हम डालते ही हैं डेली सब्जी में, धनिया पाउडर वो भी आप 1 चम्मच डाल लीजिए, या आपको जितना टेस्ट रखना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और उसके बाद मैं अच्छे से इन मसालों को चलाकर भून लूँगी। नमक मैंने अभी यहाँ पे नहीं डाला है, बस यही 3 चीज़ डाल के मैं इनको भून लूँगी। और आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला डाल सकते हैं, मैंने गर्म मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल से बना रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने थे और हर किसी को बनाने आते हैं और ये मैंने आपको दिखा रही हूँ
चावल, सोयाबीन, आलू, शिमला मिर्च, और चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अंदाजे से इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैंने जैसे कि एक गिलास चावल लिए हैं तो मैं दो गिलास पानी डालूंगी और उसके बाद नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद दो विसल लगाऊंगी और गैस फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। और सबसे पहले अगर मैंने कुकिंग में जो चीज़ सीखी थी वो यही चावल बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे मतलब आता नहीं था। मम्मा कहीं गए हुए थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम ना अपने अंदाजे से, क्योंकि मम्मा को जैसे हम देखते थे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यही चावल बनाए थे। तो बस यहाँ पे सब कुछ मैंने डाल दिया है और ये लास्ट में मैंने जिसमें मैंने लहसुन कूटा था उसमें थोड़ा सा पानी ला के डाल दिया इसमें, और बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है। और तब तक मैं अपने जो दूसरे काम है वो कर लूँगी। जैसे यहाँ पे शेल्फ पे आप बर्तन देख रहे होंगे, शेल्फ पे, तो इन सारे बर्तनों को मैं वॉश करने के लिए बाहर ले जाऊँगी और बर्तनों को वॉश कर लूँगी। बस यही हमारा खाना तैयार हो चुका है। मैंने अपने लिए प्लेट लगा लिया है, तो आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। चटनी, चावल और दही बहुत ही यम्मी बना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक। फ़ैन ऑफ़ किया है मैंने और लाइट नहीं है, जैसा कि पता है आप सभी को। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको अपडेट किया था, लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर, पता नहीं कब तक आएगी, कुछ नहीं कह सकते। और मैंने स्नान करने के बाद पूजा वगैरह कर ली है और टाइम 7:15 का हो चुका है। गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है। और बस तो आज का यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप मेरा डेली लाइफ जो भी मेरा रूटीन होता है मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो मेरी मन की बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरी आईडी है अंकिता नागर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे आप अंकिता नागर करके सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी मिल जाएगी, फेसबुक आईडी भी मेरी अंकिता नागर के ही नाम से है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटी के आइकन को साथ के साथ दबा दीजिएगा। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।